हेलो एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेरी वेल। सीए इंटर ऑडिट के कॉन्सेप्ट वाइज वीडियोस में आपका स्वागत है। इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं बेनिफिट्स ऑफ ऑडिट, व्हाई ऑडिट इज नीडेड। तो चलिए समझते हैं बेनिफिट्स ऑफ ऑडिट, व्हाई ऑडिट इज नीडेड। वैसे देखने जाए तो बेनिफिट्स ऑफ ऑडिट आपको डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में पूछने के बिल्कुल चांस नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ये पूछ नहीं सकते, इतना टेक्निकल नहीं है। बट हाँ, ये एमसीक्यूज या करेक्ट इनकरेक्ट में इसमें से कोई पॉइंट आपको कंसिडर करके पूछ सकते हैं, इसलिए मैं ये अलग से कॉन्सेप्ट वाइज वीडियोस में इसको कवर अप कर रहा हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये आपको दिया है पेज नंबर 1.17 के ऊपर दिया हुआ है। प्रीवियसली हमने ऑडिट की डेफिनेशन, टाइप्स ऑफ ऑडिट, ओपिनियन और कुछ मिसलेनियस कॉन्सेप्ट्स डिस्कस किए हुए हैं। आगे बढ़ते हैं। ऑडिटेड अकाउंट्स प्रोवाइड हाई क्वालिटी इंफॉर्मेशन। जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो भी अकाउंट्स है, वो उसका ऑडिट अगर हुआ है तो वो हाई क्वालिटी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। उसके ऊपर लोग ट्रस्ट कर सकते हैं क्योंकि वो ऑडिटर ने चेक करके उसके ऊपर ओपिनियन दिया है, इसलिए। इट गिव्स कॉन्फिडेंस टू यूजर्स दैट इंफॉर्मेशन ऑन विच दे आर रिलाइंग इज क्वालिटेटिव एंड इट इज द आउटकम ऑफ एन एक्सरसाइज कैरिड आउट बाय फॉलोइंग ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स रिकॉग्नाइज्ड ग्लोबली। ऑडिट हुआ है तो जो भी थर्ड पार्टी है वो जो अकाउंट्स के ऊपर रिलाई कर रही है, वो मान सकते हैं कि ये जो ऑडिट हुआ है वो बराबर हुआ है, ऑडिट प्रोसीजर्स जिस तरह से होनी चाहिए वो उस तरह से फॉलो की गई है, क्योंकि उसके लिए स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स दिए हुए हैं। जैसे अकाउंटिंग का स्टैंडर्ड एएस आप पढ़ते हैं, वैसे ही ऑडिट में है स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग एसएस। तो एसएस के हिसाब से अगर ये ऑडिट हुआ है तो उसके ऊपर ट्रस्ट ज्यादा बढ़ जाता है। इन केस ऑफ कंपनीज, शेयर होल्डर्स में और मे नॉट बी इन्वॉल्व इन डेली अफेयर्स ऑफ द कंपनी। कंपनी के केस में शेयर होल्डर्स है वो डे टू डे ऑपरेशंस में जनरली इन्वॉल्व नहीं होते हैं। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड बाय मैनेजमेंट कंसिस्टिंग ऑफ डायरेक्टर्स। एज शेयर होल्डर्स आर ओनर्स ऑफ द कंपनी, दे नीड एन इंडिपेंडेंट मैकेनिज्म सो दैट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इज क्वालिटेटिव एंड रिलायबल, हेंस देयर इंटरेस्ट इज सेफगार्डेड बाय एन ऑडिट। कंपनी के केस में जो शेयर होल्डर्स है वो ओनर्स है, राइट? तो ओनर्स के पैसे उसमें लगे हुए हैं, बट वो डे टू डे ऑपरेशंस में इन्वॉल्व नहीं है, तो उसको पता नहीं है कि उनके जो मनी इन्वॉल्व है उसके साथ क्या हो रहा है। तो उसी के लिए फेयर मैकेनिज्म होना चाहिए कि वो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो बराबर हो। इसी के लिए ऑडिट है वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अगर ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है तो उसके ऊपर शेयर होल्डर्स है वो रिलाई कर सकते हैं, राइट? इसलिए ऑडिट इंपॉर्टेंट हो जाएगा। An audit acts as a moral check on employees from committing frauds for the fear of being discovered by audit. ऑडिट है वो एज अ मॉरल चेक भी वर्क करता है कि ऑडिट आएगा तो शायद पकड़े जाएंगे, उस वजह से शायद हो सकता है कि एम्प्लॉयज है वो फ्रॉड कम करे, या फिर जो एम्प्लॉय अगर डर लग रहा है तो वो फ्रॉड कम कर सकता है या फिर नहीं करेगा, राइट? ऑडिट की वजह से कुछ एम्प्लॉयज तो चेक नहीं, कुछ एम्प्लॉयज तो फ्रॉड नहीं करेंगे, वो नक्की है। कुछ तो होते ही है ऐसे दबंग, तो वो कर लेंगे, बाकी कई सारे एम्प्लॉयज उस वजह से भी फ्रॉड नहीं करते हैं। ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर हेल्पफुल टू गवर्नमेंट अथॉरिटीज फॉर डिटरमाइनिंग टैक्स लायबिलिटीज। ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के हिसाब से टैक्स लायबिलिटीज कितनी होगी उस ऑर्गेनाइजेशन की वो भी पता चल सकता है, तो उसके लिए भी ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर नेसेसरी। अगर आपने इनकम टैक्स में पीजीबी भी पढ़ा है तो उसमें वो जो टैक्स कैलकुलेशन, मतलब कि टोटल इनकम कैलकुलेशन के जो क्वेश्चन आते हैं, तो उसमें अभी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में से प्रॉफिट लिया जाता है और फिर एडजस्ट किया जाता है। तो प्रैक्टिकल लाइफ में जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में से प्रॉफिट लिया जाता है वो प्रॉफिट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के हिसाब से ही लिया जाता है, राइट? तो उसमें भी ऑडिट इंपॉर्टेंट होता है। ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैन बी रिलाइड अपॉन बाय लेंडर्स, बैंकर्स फॉर मेकिंग देयर क्रेडिट डिसीजंस, दैट इज वेदर टू लेंड और नॉट टू लेंड टू अ पर्टिकुलर एंटिटी। ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होंगे तो उसके बेसिस पर जो भी लेंडर है, बैंकर है, वो लोन देनी है या नहीं देनी है वो डिसीजन ले पाएंगे, कितनी लोन देनी है या फिर सिक्योरिटीज या फिर इंटरेस्ट के रेट नेगोशिएट हो सकते हैं। तो उसके लिए भी ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट हेल्पफुल हो सकता है। एन ऑडिट में ऑल्सो डिटेक्ट फ्रॉड और एरर और बोथ। फ्रॉड, किसी ने भी इंटेंशनल कुछ गलती की है, राइट, तो वो फ्रॉड हो जाएगा। अनइंटेंशनल एरर या फिर दोनों ही डिटेक्ट करने के लिए भी ऑडिट हेल्पफुल हो सकता है। एन ऑडिट रिव्यूज एक्सिस्टेंस एंड ऑपरेशंस ऑफ वेरियस कंट्रोल्स ऑपरेटिंग इन एन एंटिटी, हेंस इट इज यूजफुल एट पॉइंटिंग आउट डेफिशिएंसीज। कंट्रोल से वो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि कोई भी अनऑथोराइज्ड पर्सन है वो जो भी एंटिटी है उनके डेटा, उनके फाइल्स या फिर स्टॉक है उनको एक्सेस ना कर सके अनऑथोराइज्ड पर्सन। उसके लिए अगर कैमरा है या फिर सिक्योरिटी गार्ड है, अटेंडेंस ली जाती है, फिजिकल वेरिफिकेशन होता है अगर इन्वेंट्री का, तो ये सारी चीज़ें कंट्रोल्स कही जा सकती है। तो ये जो कंट्रोल्स है वो बराबर है या नहीं, वो बराबर से डिज़ाइन हुए हैं या नहीं, वो बराबर से ऑपरेट हो रहे हैं या नहीं, वो भी ऑडिट में हम देखेंगे तो पता चल जाएगा कि अगर उसमें कुछ भी डेफिशिएंसी है तो, क्योंकि ये डेफिशिएंसी हो सकता है कि फिलहाल कोई लॉस नहीं करवा रही है बट इन फ्यूचर उस वजह से लॉस हो सकता है, तो वो डेफिशिएंसी को हम पहले ही बता देंगे तो वो लॉस से बचा जा सकता है। तो इसके लिए भी ऑडिट हेल्पफुल हो सकता है, राइट। तो ये थे बेनिफिट्स ऑफ ऑडिट, होप यू आर क्लियर विथ इट। ये एमसीक्यूज और करेक्ट इनकरेक्ट के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन के लिए आपको फिर से पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये क्वेश्चन अगर आपने यहाँ पर अच्छे से समझ लिया तो फिर से ये टॉपिक आप नहीं पढ़ेंगे तो चलेगा, ये याद रखने की तो बिल्कुल जरूरत नहीं है, राइट। तो ये थे बेनिफिट्स ऑफ ऑडिट। हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिट एज पर SA 200, तो उसमें मिलते हैं। सो प्लीज लाइक एंड शेयर द वीडियोस, कमेंट, अगर आपको कुछ भी डाउट है, रिव्यूज है, सजेशंस है तो भी बता सकते हैं, एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।